हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेटर अरेंजमेंट। अब लेटर अरेंजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स नॉट फ्रॉम अ गिवन वर्ड। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटर अरेंजमेंट को। जैसे कि टर्म है लेटर अरेंजमेंट, फ्रॉम द टर्म इट इज क्लियर कि हमें लेटर्स को अरेंज करना है इन अ प्रॉपर ऑर्डर। वो ऑर्डर डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर, चाहे वो ऑर्डर अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो सकता है या फिर वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड हो सकता है, वर्ड नॉट फ्रॉम अ गिवन वर्ड हो सकता है, रैंडम ऑर्डर हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन लेटर अरेंजमेंट। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ड नॉट फ्रॉम अ गिवन वर्ड। इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक वर्ड प्रोवाइडेड होगा और साथ में हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए होंगे। उन ऑप्शंस में से हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो उस गिवन वर्ड में से हम डिड्यूस नहीं कर सकते, या फिर वो वर्ड जो है वो गिवन वर्ड में से फॉर्म नहीं हो सकता। दैट इज अगेन द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। हमें ये डिसाइड करना है कि उस वर्ड में से लेटर्स को अरेंज करके कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स बनते हैं और कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता। तो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है वर्ड नॉट फ्रॉम अ गिवन वर्ड, ऐसे ही एक टॉपिक और है, दैट इज वर्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड और लेटर अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अगर आपने उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दोज वीडियोस एज वेल, वॉच दोज वीडियोस, ताकि आपको पता लग जाए कि लेटर अरेंजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम थोड़ी सी और ब्रशअप करते हैं रिगार्डिंग वर्ड नॉट फ्रॉम अ गिवन वर्ड। So the first question is that we have to find a word that cannot be from the word strange. अब हमें एक word दिया हुआ है strange, जिसमें हमारे पास letters provided है strange। अब इन letters को हमने ऐसे arrange करना है और उस arrangement से हमें देखना है कि कौन से words इनमें ऐसे हैं या कौन सा एक word ऐसा है जो form नहीं होता। तो जो फॉर्म नहीं होता उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आर ऑप्शंस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक एक ऑप्शन को हमने पिक करना है और उस ऑप्शन में देखना है। जैसे सपोज फर्स्ट हमारा ऑप्शन है रैन। अब हमें ये देखना है क्या स्ट्रेंज वर्ड से रैन वर्ड बन सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है। तो आर ए एन डेफिनेटली फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लेटर्स रैन के लिए हमें चाहिए वो सेम लेटर्स हमारे पास स्ट्रेंज में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली रैन जो है वो फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंजेस की, तो आर ए एन जी ई एस, रैन हमने देखो ऑलरेडी है, जी ई भी है, क्या एस है, यस एस भी है, तो रेंजेस भी बन सकता है। नेक्स्ट एंजल्स को देखते हैं, ए एन जी ई एल एस, ए है, जी एन है, जी है, ई है, बट स्ट्रेंज में देयर इज नो एल, नो एल इन स्ट्रेंजेस। और क्योंकि हमें फॉर्म करने हैं वर्ड्स ओनली फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रेंजेस और इस स्ट्रेंजेस में एल नहीं है, तो एंजल्स जो है वो फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रैंड्स, जी आर ए एन टी एस, ग्रैंड्स भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि जो जिन लेटर से वर्ड ग्रैंड्स बना है वो सारे लेटर्स स्ट्रेंज में अवेलेबल है, तो ग्रैंड भी बन सकता है वर्ड। तो एंजल्स एक ऐसा वर्ड है जो फॉर्म नहीं हो सकता फ्रॉम द गिवन वर्ड। यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, दैट वर्ड्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ गिवन वर्ड। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, तो देयरफॉर एंजल्स इज द ऑड वन आउट, या एंजल्स हमारा ऑप्शन होएगा जो कि वर्ड स्ट्रेंज से फॉर्म नहीं हो सकता। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, अगेन इट इज अ टॉपिक ऑफ लेटर अरेंजमेंट। हमने लेटर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया और उस अरेंजमेंट के थ्रू हमारा एक नया कॉन्सेप्ट बना, दैट इज वो वर्ड्स जो एक गिवन वर्ड से फॉर्म नहीं हो सकते। अब ऐसे ही बहुत
अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये एक बेसिक था, उसमें एडवांस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना, खाली फॉरवर्ड ऑर्डर में देखना है, या ऐसा भी आ सकता है कि लेटर्स रिपीट हो सकते हैं, एक कंडीशन आ सकती है कि लेटर्स रिपीट नहीं होंगे। तो एग्जामिनर एक बेसिक क्वेश्चन को किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें हर लेवल के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वो प्रॉब्लम सिर्फ तभी नहीं होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड आई सजेस्ट कि एक एक कॉन्सेप्ट को पिक कीजिए, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आप। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो कंस्ट्रक्शन से फॉर्म नहीं हो सकते। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन। हमें ये चेक करना है ऑप्शंस के थ्रू ही। फर्स्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं, दैट इज सक्शन। सक्शन में हम देखेंगे क्या सेम लेटर्स हैं जो हमारे पास गिवन वर्ड में प्रोवाइडेड है। तो हम देखेंगे SUCTION, ऑफ कोर्स ये वर्ड बन सकता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉइन्स। अगर हम कॉइन्स को देखें तो COINNS, ऑफ कोर्स कॉइन्स भी बन सकता है। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रस्ट, RUST, रस्ट भी बन सकता है फ्रॉम द गिवन वर्ड। ये तीन बन सकते हैं, मतलब द फोर्थ वन विल बी द ऑड वन आउट। लेकिन अगेन वेरीफाई करते हैं, कॉशन, सी ए तो कहीं पे है ही नहीं, UTION, बट ए इज मिसिंग, क्योंकि ए मिसिंग है हमारी कंस्ट्रक्शन में, देयरफॉर कॉशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। देयरफॉर कॉशन इज आवर रिक्वायर्ड वर्ड जो हमारे गिवन वर्ड से फॉर्म नहीं हो सकता। ये हमारी बेसिक क्वेश्चंस है रिगार्डिंग लेटर अरेंजमेंट। आपने देखा कि यहाँ पर लेटर्स को अरेंज किया गया है इन प्रॉपर ऑर्डर या एक जनरल ऑर्डर, ताकि उनमें से एक नया वर्ड जो है वो डिराइव हो सके। और फिर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ऑप्शंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो गिवन वर्ड से डिराइव नहीं हो सकता। उसके लिए हमें हमेशा ऑप्शंस ही कंसिडर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आंसर। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास पोर्टल पे तो डू रजिस्टर ऑन द पोर्टल, ताकि आप ऐसे से और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके और अपने आप को और ज्यादा एक्सेल कर सके, अपनी रीजनिंग स्किल्स को और ज्यादा एफिशिएंट बना सके, सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्विकली, एंड ऑल्सो यू कैन बिकम मास्टर इन रीजनिंग। बट द की टू सक्सेस इज जस्ट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू रजिस्टर ऑन द अभ्यास ऑनलाइन पोर्टल, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ जब प्रैक्टिस करोगे पेपर्स को, जब क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अभ्यास एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आपके कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारा कुछ अभ्यास आपको प्रोवाइड करेगा, सो डू रजिस्टर ऑन द पोर्टल।